अमेरिका के पूर्व विदेश मंत्री ने अपनी किताब में भारत की दिवंगत पूर्व विदेश मंत्री सुषमा स्वराज को लेकर कई विवादित टिप्पणियां कर दी है। माइक पोम्पियो ने अपनी किताब नेवर गिव एन इंच फाइटिंग फॉर द अमेरिका आई लव में लिखा है कि सुषमा स्वराज कभी भी महत्वपूर्ण राजनीतिक प्लेयर नहीं थी। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने सुषमा स्वराज को लेकर पोम्पियो की इस टिप्पणी पर कड़ी प्रतिक्रिया दी है। जयशंकर ने कहा कि पोम्पियो की किताब में सुषमा स्वराज के लिए इस्तेमाल किए गए अपमानजनक शब्दों की मैं कड़ी निंदा करता हूं। हालांकि पूर्व अमेरिकी विदेश मंत्री ने अपनी किताब में विदेश मंत्री एस जयशंकर की जमकर तारीफ की है। पोम्पियो ने अपनी किताब में एक से एक विस्फोटक दावे किए हैं। पूर्व अमेरिकी विदेश मंत्री ने दावा किया है कि साल 2019 में पाकिस्तान के बालाकोट में भारत की सर्जिकल स्ट्राइक के बाद दोनों देश परमाणु युद्ध के करीब आ गए थे। पोम्पियो ने दावा किया है कि ये जानकारी उन्हें भारत की तत्कालीन विदेश मंत्री सुषमा स्वराज ने ही दी थी। पोम्पियो ने अपनी किताब में भारत के विदेश मंत्रियों के साथ अपने संबंधों के बारे में भी लिखा। इसमें उन्होंने एस जयशंकर और एनएसए अजीत डोभाल का भी उल्लेख किया। पोम्पियो ने इस किताब में सुषमा स्वराज को लेकर कई अपमानजनक टिप्पणियां की हैं। पोम्पियो ने अपनी किताब में सुषमा स्वराज को गूफ बॉल तक कह डाला। सुषमा स्वराज मई 2014 से मई 2019 तक मोदी सरकार में पहले कार्यकाल में विदेश मंत्री थी। अगस्त 2019 में उनका निधन हो गया। पोम्पियो ने अपनी किताब में लिखा है कि भारतीय पक्ष में मेरे समकक्ष भारतीय विदेश नीति में सुषमा स्वराज एक महत्वपूर्ण प्लेयर नहीं थी। इससे बेहतर मैंने भारत के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार यानी अजीत डोभाल के साथ मिलकर काम किया, जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के करीबी और भरोसेमंद विश्वास पात्र थे। एस जयशंकर ने पोम्पियो के इस बयान पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि मैंने पूर्व विदेश मंत्री पोम्पियो की किताब में सुषमा स्वराज का जिक्र हुए एक अंश देखा है। मैंने हमेशा सुषमा स्वराज का बहुत सम्मान किया है। सुषमा स्वराज के साथ मेरे असाधारण रूप से घनिष्ठ और मधुर संबंध थे। पोम्पियो की किताब में पूर्व विदेश मंत्री सुषमा स्वराज के लिए इस्तेमाल की गई अपमानजनक टिप्पणी की मैं कड़ी निंदा करता हूँ। पोम्पियो ने अपनी इस किताब में जयशंकर के लिए जे शब्द का इस्तेमाल किया है। पोम्पियो ने आगे लिखा है कि सुब्रमण्यम जयशंकर मेरे दूसरे भारतीय समकक्ष थे। मई 2019 में हमने भारत के नए विदेश मंत्री के रूप में जे का स्वागत किया। मैं इससे बेहतर समकक्ष की उम्मीद नहीं कर सकता था। पोम्पियो ने आगे लिखा है कि मैं इस आदमी यानी एस जयशंकर से प्यार करता हूँ। जयशंकर अंग्रेजी सहित कुल 7 भाषाओं में बात करते हैं, यहाँ तक कि उनकी भाषा मुझसे भी कुछ बेहतर है। आपको बता दें कि माइक पोम्पियो पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के विश्वास पात्र माने जाते हैं। पोम्पियो 2017 से 2020 तक ट्रंप सरकार में CIA निदेशक और 2018 से 2021 तक विदेश मंत्री थे। माइक पोम्पियो फिलहाल 2024 के राष्ट्रपति पद के लिए अपनी उम्मीदवारी तलाश रहे हैं। ऐसे में माइक पोम्पियो की इस किताब ने भारतीय राजनीति में एक नया भूचाल खड़ा कर दिया है। लेकिन ये देखकर काफी अच्छा लगा कि मौजूदा विदेश मंत्री सुषमा स्वराज की इतनी इज्जत करते हैं और उनके लिए अपनी तारीफ को दरकिनार कर इस किताब की और माइक पोम्पियो की निंदा करने से वो पीछे नहीं हटे। इस पूरे मामले पर आपकी क्या राय है, आप हमें कमेंट करके जरूर बताएं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर करना ना भूलें और IBC24 के हमारे YouTube चैनल खबर विभाग को जरूर सब्सक्राइब करें। नमस्कार।